हेलो दोस्तों, दिस इज़ आर्टी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक है जो हमने कल डिस्कस किया था, हाउ टू सी स्टॉक्स और जो है करेंसी पेयर्स एंड बाकी सब मैंने बताया था किस तरीके से हम जो है सर्च कर सकते हैं और किस तरीके से जो है हम चार्ट को देख सकते हैं, किस तरीके से इंडिकेटर लगा सकते हैं। तो आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं और एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ट्रेडिंग व्यू, तो उस पर हम किस तरीके से जो है देख सकते हैं ज़ीरोधा को, और ज़ीरोधा जो है ऑफिशियली उस चीज़ के साथ टाई अप करके जो है वो लेके आ गया है। ये वर्ल्ड की मुझे लगता है सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली वेबसाइट है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म की बता रहा हूँ। वैसे तो MT4 हम यूज़ करते ही हैं, बट चार्टिंग प्लेटफॉर्म में अगर कोई वेबसाइट यूज़ होती है तो वो ये है। तो अभी हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो अब तक अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो है ये लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके जो है आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और ये प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। इसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ये कमेंट सेक्शन में भी जो है पिन कर रखा है मैंने मैसेज, इसमें भी आपको जो है ये साइनअप का लिंक और प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है, ललित वर्मा ने, और आपके भी माइंड में जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसका जो है आंसर आपको दे दूंगा। इनका क्वेश्चन है कि इनका जो बैंक अकाउंट है और पैन कार्ड में जो है सिग्नेचर जो है वो अलग अलग हैं, बिकॉज इन्होंने जो है पहले बनवाया था, तो क्या अकाउंट बनाते वक्त इनको दिक्कत होगी? तो अकाउंट बनाते वक्त जो आपके पैन कार्ड पे साइन है वो ही साइन जो है आपके चलेंगे, बैंक अकाउंट पे क्या साइन करते हैं अगर किसी को पता चल जाए तो आपके बैंक से पैसा निकाला जा सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। वो बैंक के साइन है, वो किसी को बताना भी मत गलती से, वो जो है टॉप सीक्रेट है, जैसे हमारा पासवर्ड रहता है उसको जो है किसी को मत बताना, वरना जो है पैसे भी निकल सकते हैं अगर आपकी डिटेल किसी को पता चल जाए तो। और यहाँ पर आपको आंसर मिल गया होगा कि आपको जो है पैन कार्ड के जो सिग्नेचर्स हैं वो सिर्फ जो है चाहिए होते हैं, जो पैन कार्ड पे हैं वो ही जो है आपको करने होते हैं जब डॉक्यूमेंट आप सेंड करते हो उनको बाय पोस्ट, और अगर सिग्नेचर उस टाइम पे भी नहीं मिलते हैं तो ये जो है आपको वापस भेज देते हैं। वरना जो है मुझे तो याद है, मुझे ऑफिस में ही बुला लिया था इन लोगों ने, तो मैं ऑफिस में करके आया था, ज़ीरोधा की बात नहीं कर रहा, कोई दूसरा ब्रोकर था, तो मैं जो है फिर वहाँ पर ऑफिस में करके आया था, तो उन्होंने लाइव मेरे चेक किए थे कि साइन मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि आपके जो है पैन कार्ड में साइन है वो ही साइन जो है आपके होने चाहिए। चलिए अब टॉपिक पे आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या है, अपने प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। सबसे पहले ये देखो, कल हमने देखा था किस तरीके से इसका जो चार्टिंग प्लेटफॉर्म है वो IQ के नाम से था, तो इसको किस तरीके से हम ट्रेडिंग व्यू में चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली प्रोफाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पर आना है, माय प्रोफाइल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है ट्रेडिंग व्यू और चार्ट IQ होगा, तो चार्ट IQ पे आपका सिलेक्ट हो रखा होगा, इस पर जो है ट्रेडिंग व्यू पे कर लेना है। तो अभी ट्रेडिंग व्यू क्या है भाई? ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है जो कि मैं अभी बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, और ये जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला चार्टिंग प्लेटफॉर्म है। फिर चाहे हम करेंसी कि मार्केट को देखना चाहे, चाहे स्टॉक्स को देखना चाहे, या कोई सी भी क्रिप्टो हो, या जोन सी भी मार्केट अवेलेबल है ट्रेडिंग करने के लिए, उस मार्केट को जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला प्लेटफॉर्म है वो है ये ट्रेडिंग व्यू। ये वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसके साथ जो है इन्होंने टाई अप किया था, और टाई अप करने के बाद इनका पूरा का पूरा जो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो ज़ीरोधा के अंदर जो है ये आ चुका है। अब यहाँ पर जो इनका नॉर्मल प्लेटफॉर्म है ये चार्ट IQ, इससे तो बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है, बिकॉज मैंने बताया है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म नहीं है MT4 की तरह, ये चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो इसको जो है बहुत लोग यूज़ करते हैं एनालाइज करने के लिए, बिकॉज इसमें जो टूल्स हैं वो इतने अनोखे हैं जो आपको कहीं अवेलेबल नहीं मिलने वाले हैं। तो अब क्या टूल्स हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, सिंपल सा इसको जो है यूज़ करने देखते हैं किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर इसका डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूँ, फिर कहीं मैं भूल ना जाऊँ। यहाँ पर एक दिक्कत ये है, जो लोग ट्रेडिंग व्यू में और काफ़ी लोग जो है उसका आंसर भी जानने आए होंगे, ट्रेडिंग व्यू में स्क्रिप्ट्स नाम की एक चीज़ होती है जहाँ पर जो है लोगों ने इंडिकेटर्स बना रखे होते हैं काफ़ी, जैसे MT4 में इंडिकेटर्स होते हैं वैसे जो है ट्रेडिंग व्यू में भी जो है ये स्क्रिप्ट्स नाम से होते हैं, जहाँ पर जो है आप सिंपली अगर इसको ट्रेडिंग व्यू पर लगाना चाहो तो लगा सकते हो, बट ज़ीरोधा के अंदर अगर आप इनको लगाना चाह रहे हो तो इसका कोई ऑप्शन है नहीं। वैसे तो ये नॉर्मली जब ट्रेडिंग व्यू पर हम चार्ट खोलते हैं तो ये टेम्पलेट में आता है, बट यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है सर्च करने का, तो आप ये वाले जो है स्क्रिप्ट्स नहीं लगा सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ये ढूंढ रहे हो कि इन स्क्रिप्ट्स को किस तरीके से लगाया जाए तो आप ये स्क्रिप्ट्स नहीं लगा सकते। हाँ, इनकी जो वैल्यू है वो आप देख के ज़रूर लगा सकते हो, जैसे ये हाई पीरियड डाला हुआ किसका डाला हुआ वो आप देख लेना, कौन सी मूविंग एवरेज लगा रखी है, या इंडिकेटर्स आप चेक कर सकते हो, वो इंडिकेटर यहाँ पर लगा के
फिर जो है इसको अपने हिसाब से सेव कर सकते हो, ये काम किया जा सकता है। अब चलते हैं वन बाय वन, इसको देखते हैं क्या है। यहाँ पर जो है आप स्टॉक अपना लिख सकते हो, उसके बाद डे वन से जोन सा आपको टाइम फ्रेम सेट करना है वो कर सकते हो। कंपेयर, इसका मुझे नहीं पता क्या है ये, इसको इग्नोर कीजिए, अगर होगा काम का तो इसको बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे, बट मैंने अब तक यूज़ नहीं किया है तो मेरे तो किसी काम का नहीं है। बाकी अब यहाँ बात करते हैं इंडिकेटर्स। देखो यार इंडिकेटर्स देखो भाई, कमाल के इंडिकेटर्स हैं। जितने इंडिकेटर्स आपको चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए वो सारे के सारे आपको यहाँ पर अवेलेबल मिलेंगे। अब यहाँ पर टेम्पलेट चलते हैं, जैसे कोई भी इंडिकेटर आपने लगाया, फॉर एग्जांपल के लिए मूविंग एवरेज लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज लगाया हमने, एक लगा लिया, उसके बाद मूविंग एवरेज एक और लगा सकते हैं हम एम में, मूविंग एवरेज दूसरा भी लगा लिया। इसकी वैल्यू कैसे चेंज करनी है, हमने वैल्यू यहाँ से जाके चेंज करनी है। यहाँ पर जा के क्लिक करिए और यहाँ पर 144 लिख देते हैं और इसको सेट कर देते हैं 20, इसको 15 सेट करते हैं यार। चलो यहाँ से जो है आप इसको जो है इसका स्टाइल चेंज कर सकते हैं। इस पर 2-4 मिनट लगेंगे आपको हाथ साफ़ करने में, 2-4 बार आप करेंगे तो इस पर जो है आपका हाथ साफ़ हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, ये क्या है, ये पीछे लेके जा रहा है चार्ट को और ये आगे लेके जा रहा है। जो हमने कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई से होता है मेरे ख्याल से, वही काम ये कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड से बैक 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 चले जाते हैं ना, क्या हमने पीछे काम किया था, तो ये उसी काम को बैक कर रहा है और आगे जाना है तो ये हम आगे जा सकते हैं। अंडू करके जो होता है आप ऑप्शन, ये अंडू करने के लिए है बैक जाके, तो सिंपल सा इन्होंने यहाँ पर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये वाला ऑप्शन बहुत मस्त है। यहाँ पर अगर आप दो स्टॉक्स एक साथ ओपन करना चाहते हो तो यहाँ पर जो है आप कर सकते हो, बट उससे पहले जो है मैं यहाँ पर जाना चाहूँगा। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे तो ये देखो यार ऐसे खुल जाता है, जो कि बहुत सॉलिड है। यहाँ पर ट्रेड मारने के लिए कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये जो फीचर्स हैं इसके, आप जो है कल की वीडियो में मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है नाम लिख के जो है लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन ट्रेडिंग व्यू के अंदर क्या है, ये देखो आइकन्स बने हुए हैं, तो आपको पता है कौन सा आइकन से क्या होने वाला है। नाम तो लिखे ही हुए हैं, साथ में जो है आइकन भी बना हुआ है, लेकिन चार्ट IQ करके जो इनका ऑप्शन था कहाँ गया यार, छोड़ो अब मैंने क्लोज़ कर दिया। जो इनका अपना ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है उसके अंदर जो है सिर्फ नाम लिखे हुए हैं, इनके जो है आइकन्स नहीं है। तो इससे आप देखिए कितना इजी हो जाता है, आइकन्स भी आपको दिखते हैं और यार ये प्लेटफॉर्म इतना सॉलिड है ना कि यहाँ पर आप क्या बताओ। ये देखो यहाँ से जो है आप अपना SL और TP सेट कर सकते हो, कितना आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहने वाला है और कितना, ये देखो ये पूरा का पूरा कैलकुलेट करके बता देता है। जैसे कि आपने यहाँ पर ट्रेड ली तो कितना रिस्क है, आप स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और टेक प्रॉफिट इसके ऊपर रखेंगे तो कितना प्रॉफिट आपका होने वाला है, ये जो है रेशियो आपको बता देगा। 2.92% का जो है रिस्क टू रिवॉर्ड से हो रहा है, जो कि 1:3 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, जो कि बहुत बढ़िया है। तो और भी बहुत सारे जो है इसके अंदर फीचर्स हैं जिनको जो है आप यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पर देख लेते हैं, ये मल्टी चार्ट विंडो जो है यार ये कमाल है। ये जो है यहाँ पर आप वन बाय वन जो है चेंज कर सकते हो, जैसे ये सब में चेंज नहीं होगा, देखो यहाँ पर क्लिक किया तो इस पर चेंज हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर रिलायंस रिलायंस खोल लेते हैं, तो इस तरीके से जो है आप चेंज कर सकते हो। आपको जितने चार्ट से एक साथ देखने आप देख सकते हो, ये फीचर मुझे बहुत बढ़िया लगा इनका जो है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, अगर इस लेआउट को आप सेव करना चाहते हो, जैसे इंडिकेटर्स आपने लगा रखे हैं और उस लेआउट को आप सेव करना चाहते हो तो कर सकते हो। और टेम्पलेट का मैंने बता ही दिया था कि टेम्पलेट किस तरीके से सेव करना है, जैसे कि आप पहले नॉर्मल सिंगल पे चलते हैं, इसको हम डिलीट करते हैं। यहाँ पर हम कोई मूविंग एवरेजेस की फिर से मूविंग एवरेजेस छोड़िए, इसको लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया, ये हमारा एक इंडिकेटर बन चुका है। इसको अब हम सेव कर सकते हैं, यहाँ पर सेव कीजिए और जो मर्जी नाम रखना चाहते हैं कुछ भी रख दीजिए, अंडिशंड, ठीक है। तो इसको जो है सेव कर लीजिए, तो उसके बाद जो है ये आपको दिख जाएगा जब आप कोई दूसरा चार्ट ओपन करते हैं, जैसे HDFC हमने किया। अब HDFC पे भी अगर हम ये लगाना चाहते हैं तो ये अडन करके जो मैंने नाम रखा था, तो ये जो है इस पर क्लिक करके जो है आप ये इंडिकेटर सप्लाई कर सकते हो। तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है भाई चार्टिंग के लिए, आपको जो है एक अलग लेवल पे लेके जाएगा आपकी एनालिसिस को। तो इसको जो है आप ज़रूर यूज़ कीजिए, और अगर अब तक आपको नहीं पता था तो अब पता चल गया है। और आपके माइंड में और भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि इन भाई का क्वेश्चन था, तो जो है इसी तरीके से आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं जो है उसका आंसर नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। अब चलिए आने वाले दिनों में जो है हम काफ़ी कुछ सीखने वाले हैं। आज का भी मैं दिखा देता हूँ, आज से मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी, आज ये मेरी फ़र्स्ट ट्रेडिंग थी, मेरे पास फ़ंड ज़्यादा नहीं है,
10,000 का फंड जो है मैंने डाला था और 2% का रिटर्न मारा, जो कि बहुत ज़्यादा है। कमीशन काट के ये जो है 160 या 170 के अराउंड ही बैठने वाला है। तो आने वाले दिनों में भी जो है मैं आपको सिग्नल्स दिया करूँगा इसी तरीके से। तो चैनल पे बने रहिए अगर आप न्यू हैं। तो हम मिलते हैं आने वाले दिनों में और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।